दूसरे ब्लॉग के साथ आज कैसे हैं आप सब। तो आज नाश्ता वाश्ता करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं 50 रुपये में क्या क्या होता है। तो नाश्ते करने के बाद 50 रुपये में आपको दिखाते हैं क्या 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 चीज़ आएगी 50 रुपये में। सिर्फ मतलब मेरे को आज पूरा दिन 50 रुपये में गुजारना है। और वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो नाश्ता करते हुए मिलते हैं आपको, बाय बाय। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। से आप सब तो अभी नाश्ता वाश्ता कर रहा हूँ सही है। फिर नाश्ते करने के बाद नहा धो के तैयार होते हैं और फिर आपको जुम्मे का टाइम है, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको बाहर लेके चलते हैं, बाय बाय। कपड़े वपड़े पहन के सही है, फिर से वेलकम बैक। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको बताया था तो 50 रुपये वाला चेंज करने वाले हैं। आज देखते हैं 50 रुपये में क्या क्या होता है। और रात में ऐसी बारिश हुई है कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, वरना वीडियो बनाता टाइम नहीं मिला मेरे को और भाई को सपोर्ट करना। तो आपको ऐसे ब्लॉग मिलते रहेंगे क्योंकि मेरे जो सेकंड ब्लॉग है तो उससे ब्लॉगिंग हो नहीं रही, मेरे को आदत नहीं है ब्लॉगिंग करने की। तो भाई को सपोर्ट करना। तो मैं आपको 50 रुपये की चीज़ें ला के दिखाता हूँ, 50 रुपये में क्या क्या आता है। कपड़े वपड़े पहन लिए, फिल फ्रेश हो चुके हैं, तो चलते हैं। बस तो लगा मेरा मजाक। जी वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो असल में सीन ये हुआ कि मेरे 50 रुपये बाहर गिर चुके हैं, तो मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाया, इसलिए माजरत। तो इंशाल्लाह कल बनाएंगे हम, 100 रुपये लाएंगे कल, आपको 100 रुपये भी चीज़ें दिखाएंगे हम। बाकी क्या नाम है, कराची के ऐसी हालत है कि लाइट पता नहीं बार बार जा रही है और गलियों में सैलाब आया हुआ है पानियों का। और मैं कहता हूँ इमरान खान इज़ बेस्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए, नवाज शरीफ भूतने वाला है, ऐसी हुकूमत हमें चाहिए नहीं है, इससे अच्छा इमरान खान को लाओ। जो इमरान खान पे झूठे केस डाले हैं हम लोगों ने, हुकूमतों ने, वो केस हटाने चाहिए और इमरान खान को वोट दें। बाकी फिर वापसी मिलते हैं आपको। तो क्या हाल है, दोबारा से आ गए हम। तो मैं आपको गली की हालत दिखाता हूँ। रात में तो ऐसा पानी आया हुआ था, अभी देखो ऐसा खुशक हुआ हुआ है रोड के, पता भी नहीं चल रहा बारिश हुई है नहीं हुई है। ये रोड पूरा सूख चुका है, वरना रात में ऐसे यहाँ से नदियाँ बह रही थी रात की, अभी तो गली खुशक हुई है। रोडों पे पानी है तो मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बाहर अजीब सा लग रहा है ब्लॉग बनाते हुए। बाकी इंशाल्लाह एक दो हफ्ते बाद फिर आपको बाहर भी लेके जाऊंगा, अपना इलाका भी दिखाऊंगा कैसे रहते हैं हम लोग, तो सबसे मिलवाऊँगा आपको। और अल्लाह भला करे, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और कसम खुदा की मुझे शर्म सी आ रही है ब्लॉग बनाते हुए, लोग सामने बैठे हुए कहते हैं मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि लोग भी खुश हों, मेरे व्लॉग भी देखें, कि लोग इंटरेस्ट हो। क्या कर सकते हैं। एक दोस्त आया हुआ मेरा, आपको उससे मिलवाता हूँ। भूत वाला कहाँ चला गया, भूतनी वाला एकदम से गायब हो गया है। लाइट तो है ही नहीं वैसे भी कराची में, हमारे एरिया में तो लाइट आ नहीं रही, आ रही है तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आ रही है। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे सबके लिए। क्या बोलूँ, और इंशाल्लाह आपको मैं कल पट्टी पे भी लेके जाऊँगा, पट्टी पे अपना गेम भी दिखाऊँगा। कल मैं पट्टी का कंटेंट निकालना चाह रहा हूँ, कल पट्टी वट्टी पे लेके जाऊँगा आपको और एक बार बार घुमाऊँगा कि मैं करता गया हूँ पूरे दिन में। फारिक तो वैसे ही बैठे हैं हम, ऐसे ठंडियाँ ही मार रहा हूँ, कोई वो थोड़ी है जैसे प्रोफेशनल व्लॉगर करते हैं। वो भी उनका ये पहला व्लॉग होता है, वो ऐसे ही आता है। अब मेरा ही पहला व्लॉग है और सेकंड व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। और इंशाल्लाह 1000 सब्सक्राइबर ज़रूर करेंगे, बस 1000 सब्सक्राइबर करवाते हैं, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप सबका प्यार है, डेली व्लॉगिंग करते रहेंगे हम, और या अल्लाह पाक आसानी करे। तो बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वापसी आ गए हैं। तो जुम्मा मुबारक, मैं ये कहना भूल गया था आपसे। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी व्लॉगिंग करूँ कि लोगों को पसंद आए, एंटरटेनमेंट करूँ। ये मुझसे हो नहीं रहा क्योंकि मेरा दूसरा व्लॉग है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लोग अभी ये पहली वीडियो डाली है तो एक किसी ने कमेंट किया था आप भाई आपसे नहीं हुआ, ऐसा कमेंट ना करें, थोड़े अच्छे कमेंट करें कि हमें भी कॉन्फिडेंस आए, हम भी वीडियो सही बनाएं। तो प्लीज़ ऐसे नाम पे, क्योंकि आपको पता है सेकंड व्लॉग है सबका ऐसे ही होता है, लोग उन पर नहीं हंसते,
पता नहीं क्या है, हमने तो सेकंड व्लॉग डाला, लोग हंस रहे हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं खुद खुद पे कर रहा हूँ ये, और क्या करूँगा। हमारी आवाम ऐसी नहीं है किसी को खुश नहीं देख सकती, वो चाहती है क्या कर रहा है ये। जब बंदा एक बन जाता है तो फिर उसके पास आगे पीछे घूमते हैं, क्या है ये, ऐसा नहीं करो, जो जीरो से आया उसको प्लीज सपोर्ट करो, लोगों को हंसो मत उस पर, उसको कॉन्फिडेंस दो कि हाँ भाई तुम अच्छा कर सकते हो। ये जो आवाम क्या बोल रहे यार, इसके आगे कोई बोलने का दिल भी नहीं चाह रहा मेरा, तो क्या यार क्या कहूँ, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पीछे, मैं खुद कर रहा हूँ ये, सब हंस रहे, क्या करना क्या चाह रहा है ये बोलने, काम कर कुछ कर, मेरा दिल व्लॉगिंग करने का है तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है अभी, इंशाल्लाह आगे जाके कुछ होगा तो हमारे को भी सपोर्ट मिलेगी, फिर घर वाले भी बोलेंगे हाँ भाई कुछ किया है बच्चे ने, तो इंशाल्लाह मैं आपको कल बाहर का टूर करवाता हूँ, क्योंकि देखें मेरे को तो मसला नहीं है बाहर लेके जाना, क्योंकि लोग देख के हंसते हैं क्या कर रहे हैं, तो मेरे को उधर से शर्म आती है, मैं बाहर व्लॉग नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश कर चुका हूँ नहीं हो रहा मुझसे, क्या कर? और इंशाल्लाह मैं आपको फनी कंटेंट भी दूंगा, अभी तो ये तो अभी सादे से कंटेंट है, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, मैं इंशाल्लाह फनी कंटेंट बनाना है, आपको भी इंटरटेन करना है, आप खुद भी इंटरटेन होना है और खुश होना है, हाँ भाई मैंने कुछ किया है इंशाल्लाह। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा और सपोर्ट करो भाई को, भाई अच्छी चीज़ें बना सके आपके लिए, जैसे मास अफदर तकी भाई, ये भी ऐसी व्लॉग था, मास अफदर का पहला व्लॉग देखोगे तो उसने उस व्लॉग में कुछ भी नहीं बोला, और तकी भाई तो रोस्टिंग करते हैं, उनकी पहली रोस्टिंग वीडियो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऐसी मेरा भी है, मेरा दूसरा व्लॉग है, पहला व्लॉग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, फिर भी मैंने अपलोड किया, मैंने बोला खैर आ लिए, तो दूसरा मैं अच्छा करने की कोशिश में लगा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें, मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा, मैं चाहता हूँ मैं कुछ बन जाऊँ, कि एक होता है ना बंदे का माइंड, यार मैं व्लॉगिंग करूँगा तो मेरे पास पैसा आएंगे, मेरा ये माइंड नहीं है, मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा इज्जत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा इस चीज़ में भी, यहाँ तक करता आया अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी रखा मेरे मालिक ने, और मेरा ये कहने का मतलब है यार किसी से जलो मत, किसी को वो नहीं करो, तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है उसको, उस पर सपोर्ट करो उसको वो नहीं करो के बंदे का दिल ना तोड़ो, या हंस रहे हो उस पर फलाना कर रहे हो, ये नहीं करो, क्योंकि इंसान है, अब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको करने दो, उसको सपोर्ट करो ये चीज़ों में, ऐसे नहीं करो यार, आप कमेंट कर रहे हो यार। वेलकम बैक, तो यार मैं यहाँ पे ब्लॉग एंड कर रहा हूँ अपना, तो लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा और बाय बाय, तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक पे, अल्लाह हाफिज़।